हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। मैं अशफाक और आज आपको इस वीडियो में देखने के मिलेगा त्रिकोणमिति का ऑल इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। आपको लगता है कि हम त्रिकोणमिति हमको बनाना नहीं आता है, त्रिकोणमिति कैसे सीखे, है ना? तो इस वीडियो को आपको पूरा ध्यान से देखना है और आपको देखने के बाद मैं पक्का बोल रहा हूँ आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पता चल जाएगा। और अगर आप त्रिकोणमिति को हल करना चाहते हो ना, उसका सॉल्यूशन करना चाहते हो, त्रिकोणमिति वाला सवाल को, जैसे प्रूफ करने वाला जो सवाल आता ना, अगर प्रूफ करने वाला सवाल को आप बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप त्रिकोणमिति वाला सवाल बना पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप नहीं बना पाओगे। तो आप फॉर्मूला कैसे आएगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसको अगर आपने ध्यान से दिमाग में सेट कर लिया तो ऑटोमेटिक उससे जितना फॉर्मूला उससे रिलेटेड है ना, वो सारा फॉर्मूला आपको याद होता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितना याद है, ठीक है ना? तो मैंने शुरुआती में मैंने आपको बताया था, चलो मैं ट्राइगो लिख देता हूँ, ठीक है? ट्राइगो हम शुरुआती में हम लोगों ने मैंने बताया था, ट्रिक बताया था, LALKKA लाल काका। आप यहाँ पे मैं बस एक ट्रिक बता रहा हूँ, L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। ऐसे तो लंब को क्या बोलते हैं, लंब को यहाँ पे L को हमको क्या बोलते हैं, P बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और अगर आधार बोलना, आधार को हम लोग B बोलते हैं, बेस। और कर्ण को हाइपोटेनस तो H से डिनोट करते हैं, है ना? तो आप एग्जाम में BBH लिख रहा है, लेकिन याद करने के लिए आपको सिर्फ लाल काका ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो एक सीरियल से याद करेंगे, साइन कॉस टैन, फिर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे बटा कर देता हूँ, यानी कि एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए, ठीक है ना? अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। आपको देखो आप फॉर्मूला कैसे याद रखना, सिर्फ आपको लाल काका याद रखना, लाल काका, और उसके ऊपर से याद करना साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। उसका देखो ध्यान से, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है? नोट करते कर लेना, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। फिर अगर हम इधर से देखें, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। ये छह फॉर्मूला को याद हो गया ना? अब देखो इसी से एक और फॉर्मूला बनेगा, साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना कर देंगे तो उसका वन आंसर आता है, ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है कि साइन को कोसेक से गुना करेंगे तो वन आएगा, कॉस को सेक से गुना करेंगे तो वन आएगा, टैन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। अब देखिए पहले यहाँ पे जानते हैं, पहले वो छह का फॉर्मूला को पता चल गया कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण वाला समझ में आ गया, वो भी सवाल पूछता है और बनाने में काम भी आता है वो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। देखो एक फॉर्मूला ये याद करना है पहले, और आपको साइन थीटा अगर इस पैटर्न पे अगर अरेंज कर लेते हो ना, तो आपको समझना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या होता है, वन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, वन होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, वन होता है। अब देखिए एक फॉर्मूला आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, वन होगा। अब इसी से दूसरा फॉर्मूला बनेगा, इसी से अगर हमको साइन थीटा निकालना है, अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो ये जो कॉसेक थीटा साइन से मल्टीप्लाई हो रहा ना, साइन थीटा कॉसेक थीटा आपस में क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो मल्टीप्लाई जब कॉसेक थीटा को जब इधर भेजेंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, यानी कि वन बटे कॉसेक थीटा, वन बटे कॉसेक थीटा, ठीक है ना? कॉसेक थीटा, तो एक फॉर्मूला ये बन गया कि साइन थीटा बराबर वन बटे कॉसेक थीटा भी होता है। अगर कॉसेक को मैं इधर भेजू, अगर मैं कॉसेक थीटा में निकालू तो साइन को इधर भेज देंगे, है ना, वन बटे साइन। देखिए दो फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला से हमारा दो फॉर्मूला निकल के आ गया, कुछ भारी नहीं है, बस आपको यह समझना, ध्यान में रखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन होगा, ठीक है ना? अब देखते हैं कॉस को सेक से गुणा करते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे पहला फॉर्मूला हो गया, दूसरा यहां पर लिखता हूं मैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इंटू में हम पॉइंट में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होगा, वन होगा। अगर हम एक तो हमारे फॉर्मूला बना, अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहेंगे, कॉस थीटा तो सेक जो है क्या होगा, बटा में चला जाएगा, सेक गुना में क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, वन बटे सेक थीटा। ये तो आपको पता है, इक्वेशन पढ़े हैं तो पता होगा आपको, ठीक है ना? उसका सेक थीटा अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा निकालना तो कॉस को इधर भेज देंगे, वन बटे कॉस थीटा। देख रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे का उल्टा हो रहा, साइन थीटा जो है कॉसेक का उल्टा है, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा। देखो जब साइन निकालना होता था तो क्या किया, वन बटा कॉसेक, उलट दिए कॉसेक को, क्या किया, उलट दिए,
और जब कोसेक निकालना था तो वन बटे साइन कर दिए, है ना, साइन को उलट दिए। यहाँ पे कॉस को निकालना तो सेक को उलट देंगे वन बटा सेक, और सेक को निकालना तो वन बटे कॉस कर देंगे, ठीक है। फिर देखो टैन निकालना तो वन बटे कॉट हो जाएगा, और कॉट निकालना तो वन बटे टैन हो जाएगा। इसी प्रकार एक और हमारा यहाँ पे बन जाएगा, क्या बनेगा यहाँ पे देखो, तीसरा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है वन हो जाएगा। और यहां से हम टैन थीटा अगर ज्ञात कर ले, टैन थीटा बराबर तो कॉट गुना में क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा वन बटे कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा निकालना आपको है तो क्या होगा, वन बटे टैन थीटा। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ लाल काका वाला फॉर्मूला याद करके इतना सारा फॉर्मूला याद कर सकते, छह फॉर्मूला तो इसी हो गया, लंब बटा करना अधर बटा करना। फिर यहाँ देखो तीन फॉर्मूला छह और नौ छह पंद्रह फॉर्मूला यू ही याद हो गया, याद हुआ कि नहीं हुआ बोलो, याद हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से नीचे कमेंट करा, याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने बस ये पैटर्न आपको याद करना है, एग्जाम में एल के नहीं यूज करना, अगर आपको लिखना है लंब तो हिंदी में लिख दीजिएगा लंब कराना कर्ण, और नहीं तो फिर आप एल को क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, ए को बी लिखेंगे और के को एच लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो। तो अगर इस फॉर्मेट को अगर याद रखते हो तो इसके अकॉर्डिंग से आपको ये सारा फॉर्मूला याद रहेगा। अब आपको ध्यान में बस यही रखना है कि साइन जो है कॉस सेक उल्टा, कॉस सेक साइन को उल्टा, कॉस सेक को उल्टा, सेक कॉस को उल्टा, टैन कॉट को उल्टा, कॉट टैन को उल्टा, ठीक है ना। इतना बात अगर आपको याद रखेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए इसको। अब हम जो आगे फॉर्मूला बता रहे हैं वो भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उस फॉर्मूला से भी आप जो है ना बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब देखो इसके बाद मैं बताता हूं, एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, ये फॉर्मूला को याद, ये बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन होगा। इतना तो याद रहेगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, आपको यही बात याद करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन। जब ये याद कर लीजिएगा तो इसी से कितना सारा फॉर्मूला बनेगा, अब देखिए इसी से हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगर हम साइन स्क्वायर निकालना चाहेंगे, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो कॉस को इधर भेज दे, चूंकि देखो कॉस प्लस में है, वहां पे इंटू में था तो डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे देखो प्लस में है तो वन और प्लस जब क्या बनेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया एक फॉर्मूला हमारा बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा इसके बाद जो स्क्वायर लगा हुआ ना, इस स्क्वायर को भी हटा कर हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं तो स्क्वायर इधर जाके क्या बनता है, आपको पता है स्क्वायर इधर जाके ओवर रूट बनता है। देखो ये भी एक फॉर्मूला आपके पास है, ये भी एक फॉर्मूला, आप इसको इस रूप में बदल सकते हैं, इसको इस रूप में बदल सकते हैं, इसको इस रूप में बदल सकते हैं, इसको इस रूप में बदल सकते हैं। जहां पे ये लिखा है उसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, जहां पे ये लिखा है उसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से जैसे मैंने साइन को किया, अगर मुझे कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो साइन को उधर भेज देंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद अगर मैं स्क्वायर को हटा दूं यानी कि कॉस थीटा यहां पे लिखूं तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। आ रही समझ में मेरी बात, ध्यान से समझ आ रही ना। अब देखो सिर्फ एक फॉर्मूला से आपको ये चार एक्स्ट्रा याद हो जाएगा, बशर्त ये है कि आपको इक्वेशन आना चाहिए, प्लस वाला था इधर भेज कर क्या बन गया माइनस, ये तो आता होगा आपको, वहां पे मल्टीप्लाई था तो जाके डिवाइड हो रहा था, ठीक है ना, तो यहाँ प्लस हो जाकर माइनस बना, इस तरह से साइन भी प्लस में तो उधर जाके क्या बन गया, देखो माइनस बन गया। तो ये एक फॉर्मूला से तुम्हारा जो है चार फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है ना। चलिए दूसरा फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन, अब यही मेन फॉर्मूला है इसका, इससे तो याद हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, बस इसको रट जाना, तुमको रट जाना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। अब जब ये रट जाओ ना तो इसके रिलेटेड ऑटोमेटिक सारा फॉर्मूला बन जाएगा, चार स्पेशल बन जाएगा। जैसे साइन को अगर रट जाओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन, कुछ तो करना पड़ेगा ना पढ़ने के लिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा पहले, कुछ तो जब तक आप रिहर्सल नहीं करोगे, जब तक बार बार पढ़ोगे नहीं उस बातों को, बार बार पढ़ोगे नहीं दिमाग में कैसे सेट होगा, है ना। तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, और जब ये दिमाग में सेट हो जाएगा तो सोचो ये सब सेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आसान है हमारे लिए, और ये बनेगा तभी आप त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला बना पाओगे। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सिद्ध कैसे करना है, ये मजा आएगा आने वाला है। तो बस लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तब, नहीं तो फिर दिमाग के ऊपर से बाउंस मारेगा, है ना। अब देखो अगर मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला निकालू तो देखो यहाँ पे कॉट स्क्वायर क्या है, माइनस में है कि नहीं, कॉट स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस था, यहाँ पे कॉट स्क्वायर माइनस में है, तो माइनस उधर जाके क्या बनता है, प्लस बनता है, इक्वेशन के दाएं तरफ भेजेंगे तो माइनस जाके क्या बनेगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया,
ये भी फॉर्मूला है। उस तरह से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं यहां से, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं कोसेक थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हट के क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। हो गया एक फॉर्मूला है ना, ये तो पता है कि स्क्वायर जब भी स्क्वायर इधर डालेंगे तो रूट में बन जाएगा। उसी प्रकार अब देखो, अब तुम इसको इधर करो या इसको इधर करो, या मैं यहां से कर सकता हूं, यहां से मैं दूसरा फॉर्मूला बना सकता हूं। अगर मैं कॉट निकालू, अगर मैं कॉट स्क्वायर निकालू, देखो कॉट स्क्वायर थीटा यहां से निकालते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा आप यहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकालेंगे क्या कॉट स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, यानी कि बराबर के दूसरे साइड, तो बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और वन को इधर भेज देंगे तो वन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो मैंने देखो यहां पर प्लस में लिखा, लिखा इधर ही, लेकिन जैसे ही साइन बदल गया समझना कि इक्वल जो बराबर है ना, बराबर के दूसरे साइड चला गया, बस लिखा हुआ इधर ही, साइन बदल गया, देखो कॉट यहां माइनस था क्या हो गया, प्लस हो गया। अब वन को इधर भेज देंगे, अब जैसे तुम यहां समझो कॉट स्क्वायर को मैंने लिखा और वन को इधर भेजना है, तो वन होगा माइनस में, ना कि कॉसेक माइनस में होगा, ठीक है ना। तो कॉसेक अपने जगह पर होते वही रहेगा, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वन। देखो एक फॉर्मूला हमारा ये बन गया, ठीक है, एक हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो याद है कैसे बनेगा, ई वन को मैंने इधर भेजा तो या तो इधर देखो कॉट को मैंने इधर भेजा तो कॉट बन गया प्लस, वन को इधर भेजा तो क्या बन गया, माइनस। और उसी बात को हम यहाँ पैसे करके लिख दिए। अगर आपको लगता है सर नहीं सर ऐसे कीजिए ना, माइनस यही पैसे डायरेक्ट कर दे, चलो उस बात को हम डायरेक्ट करते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और वन को इधर भेजो तो माइनस वन बराबर कॉट उधर भेजो तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, कोई डिफरेंट है, इस बात को इधर लिख दिया, इस बात को इधर लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे, अगर स्क्वायर को यहां हटाना है, हमको स्क्वायर को हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर उधर जाकर क्या बनेगा, वर्गमूल बन जाता है, ओवररूट बन जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का वर्गमूल। ये हमारा देखो सिर्फ इसको याद रखने से ये चार फॉर्मूला याद हो जाएगा, सिर्फ इसको याद रखने से चार फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो जिसको लगता है त्रिकोणमिति हार्ड है, तो हार्ड नहीं, एक्चुअली आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला जिसने याद रहेगा ना एकदम चुटकियों बनेगा और इतना मजा आएगा बनाने में यार, मतलब मत पूछो, बस तुमको सिर्फ हाथ चलाना है। बेटा दे अब एक फॉर्मूला और होता है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला और है जो कि मैं आपको बता देता हूं, जिसके बाद फिर आपको ना त्रिकोणमिति से डर खत्म हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे क्या है, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर वन। देखो एक ये फॉर्मूला होता है sec square theta minus tan square theta बराबर वन, तो एक ये फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना, sec square theta minus tan square theta बराबर वन, मैंने जो घेरा है ना उसको ध्यान से देखना है। अब इसी से देखो अगला सवाल फॉर्मूला बनेगा, sec square हमको सिर्फ निकालना है, sec square theta तो जो tan square माइनस में जा क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हो गया एक फॉर्मूला, एक ये हमारा फॉर्मूला बन गया। उसके बाद अगर स्क्वायर को इधर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल। देखो बन गया वर्गमूल, हो गया ना, स्क्वायर को इधर हटाने का बन गया वर्गमूल बन गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसी प्रकार अगर हम e tan निकालेंगे तो वन को इधर भेज देंगे, है ना, तो हमको tan निकालना, देखो tan स्क्वायर थीटा निकालना है तो वन को इधर भेज देते हैं, जैसे उसमें था उस पहले वाला मोड था sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये जो वन इधर वन को इधर लाया तो वन क्या हो गया, वन वन इधर आके माइनस बन गया, देखो माइनस है, और टेन बराबर को उस साइड गया तो टेन क्या हो गया, प्लस में, देखो प्लस में लिखा मैंने यहाँ पे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ पे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन का वर्गमूल। बताओ इन फॉर्मूला में से कौन कौन फॉर्मूला तुम्हें हार्ड लगा, अभी तक तो मेरे ख्याल से कुछ भी हार्ड नहीं लगा हुआ, जितना आसान से यहाँ पे फॉर्मूला आपको बनाने को देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को याद हो गया, चलिए अब मैं इसको भी मिटाता हूँ, देख लीजिए फटाफट जल्दी से, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नोट कॉपी में जरूर कीजिएगा, कॉपी में नोट करना जरूर, ओके। और फॉर्मूला याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपने कॉपी में नोट करो, फॉर्मूला पढ़ लो, उसको अपने से लिखो यार, पेज रफ करना क्या दिक्कत है, नहीं तो कोई बोर्ड ले लो जो आता है ना पैड, एग्जाम पैड आता है, एग्जाम पैड ले लो, उसमें रंग भरनी जो होता है उससे लिखो, बार बार मिटाओ लिखो, एकदम फॉर्मूला याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद होगा। फॉर्मूला याद करने से, पढ़ने से, बार बार उसको रिपीट करने से याद होगा। ऐसे अगर रटिएगा तो रटने से दिमाग से भी उड़ जाता है, लेकिन अगर आप बार बार उसको लिखते हैं ना, लिखते लिखते दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और फॉर्मूला होता है टैन थीटा वाला फॉर्मूला, एक होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब देखो फॉर्मूला बन गया, बना ना फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, तो तुमको ये फॉर्मूला याद करना है, साइन थीटा बराबर टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। जैसे आप टेबल फॉर्मूला में टैन को निकालना होता था क्या करते थे, टैन जब निकालने की बारी आती थी तो साइन को कॉस से डिवाइड करते थे,
साइन बटन पास करते थे ना टेबल वाला फॉर्मूला में, हालांकि मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वो वीडियो देख लेना टेबल वाला फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आप इसी से चाहो तो और फॉर्मूला निकाल सकते हो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए इनफ है। चलो निकाल के देखते हैं। इसके नीचे वन छुपा हुआ है, फॉर्मूला बन सकता है लेकिन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। क्रॉस गुना करो, साइन को वन से करो तो क्या होगा, साइन थीटा, और टैन को कॉस से गुना कर दो, टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक साइन थीटा का ये भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, एक साइन थीटा का ये भी फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, साइन थीटा बराबर टैन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। इस तरह अगर कॉस निकालना तो देखो ध्यान, अगर कॉस निकालना तो हम यस निकालते हैं, कॉस थीटा निकालना है तो टैन डिवाइड में इधर का क्या हो जाएगा, टैन मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड बन जाएगा, साइन थीटा बटे टैन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। हालांकि ये दोनों फॉर्मूला उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत काम आपको आने वाला। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला आएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। देखो जब हम टैन थीटा निकाले थे तो कॉस बटा साइन, और कॉट थीटा निकालेंगे तो कॉस बटा साइन। अच्छा आपको पता है अभी मैंने पढ़ा था टैन कॉस का उल्टा होता है, देखो टैन जो है कॉस का उल्टा है कि नहीं, जब टैन निकाला तो साइन बटा कॉस, और जब इसको कॉट किया तो इसको उलट दिया, देखो इसको उलट दिया, कॉट निकाला तो क्या हो गया, इसको उलट दिया। अभी कॉट का फॉर्मूला अगर याद है आपको कॉस बटा साइन है तो टैन का फॉर्मूला याद रहेगा, अगर टैन को याद है टैन का फॉर्मूला साइन बटा कॉस, अब जब टैन को कॉट बदलेंगे तो तुमको याद होना चाहिए टैन जब कॉट बदलता है तो उलट जाता है, तो देखो आप उलट गए, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको काम आने वाला। तो चलिए हम चलते हैं, अब हम बताते हैं आपको हम समपूरक वाला, ठीक है ना, पूरक, सॉरी पूरक कोण वाला बनाता है। पूरक कोण किसको बोलता है, पूरक कोण बोलता है जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। अब इसका फॉर्मूला देखिए, साइन कॉस को उल्टा याद है, देखो फॉर्मूला बनेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या होता है, आप ए भी लिख सकते हैं, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, साइन कॉस का उल्टा भी होता है, आप इस तरह से याद कर ले, उस तरह से देखे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा साइन थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा रहेगा हम उसको कॉस बदल सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन बदल सकते हैं। इस तरह से यहां पर है टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, एक दूसरे का क्या है उल्टा है। इसी प्रकार यहां पे देखेंगे सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और फिर यहां पे लिख देंगे कॉसेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। देखिए ये फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला त्रिकोणमितीय के लिए काफी है, लेकिन इसके अलावा एक दो फॉर्मूला और है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, इसी तरह सवाल पूछता है। अब यहाँ पे ए और बी के जहाँ पे साइन कॉस लिखा रहेगा तो जैसे फॉर्मूला उस पर एक्सप्लेन कर देना है, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उस तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से बहुत ज्यादा बार आपको देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कभी इस फॉर्म में रहेगा तो आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो, ये रहेगा तो इस फॉर्म में चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ए और बी की जगह पे साइन कॉस रह सकता है, सेक कॉस रह सकता है, टेन टैन कॉस, इन छो में से कोई भी रह सकता है यहाँ पे, तो जब साइन कॉस रहेगा तो साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपके लिए काफी है। और एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला नहीं पूछता है, ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला काफी है। तो इतना सारा फॉर्मूला आपको त्रिकोणमिति के लिए जरूरी है, अगर ये याद है तो त्रिकोणमिति के सवाल को बस चुटकियों में हल करोगे, याद है तब, और नहीं याद है तो हल नहीं होगा। और ये याद कैसे होगा, जो मैंने मेन मेन बताया ना उसको आपको लिखना है, और लिख करके उससे जो नया नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ, नया नया फॉर्मूला बना उसको बनाना है, और बार बार लिखना आपको, जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना तो फॉर्मूला तो बस लगेगा ही नहीं कि फॉर्मूला क्या है, ये तो अपने से बन जा रहा, और सवाल जब आएगा तो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा, अच्छा ये फॉर्मूला इसका था ना, ये फॉर्मूला इसका था, ऑटोमेटिक ये बनते जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, आपको याद भी करने में आसानी हो जाएगी, लिख जरूर लीजिएगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसके अगली वाली वीडियो क्या आप चाहते हो, प्रूव करने वाला प्रॉब्लम मैं आपको समझ लाऊं कि किस प्रकार सवाल को प्रूव करते हैं, मैं सिखाऊंगा कि सवाल को किस प्रकार प्रूव करना है, कैसे प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।